हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कक्षा 12 का अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा। ये कक्षा 12 में हर बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ। अगला पार्ट मैं सेकंड पार्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये क्वेश्चन है, यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तब सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन सी साइन ए। इसको सिद्ध करना है, इतना बराबर सिद्ध करना है हमें। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। देखिए, दिया है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। यहाँ से हम एक्स का अगर मान निकालें तो क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ये हो जाएगा, ये इधर बटे में आ जाएगा। ठीक, एक्स बराबर ये इतना हो गया। अब अगर हम इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर दें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन कितना होता है, एक हो जाएगा। और इधर हर इंटू अंश का अवकल गुणांक वाला फार्मूला लगाएंगे तो नीचे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए प्लस वाई हो जाएगा। इधर हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, और हर कितना है साइन ए प्लस वाई, और इसका अवकल गुणांक अंश का अवकल गुणांक होता है तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई कह सकते हैं। माइनस फार्मूला से आ गया, फिर अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, तो अंश है हमारा साइन वाई और इसका अवकल गुणांक करेंगे साइन ए प्लस वाई का, तो साइन का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और ये वाई का हो जाएगा हमारा फिर से डी वाई बाई डी एक्स। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर साइन ए प्लस वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, इधर से हम कॉमन कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, ये इतना इधर बचा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इधर हमें सूत्र पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे तो होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो होता है साइन ए माइनस बी का सूत्र। तो साइन ए हमारा कितना है, ए प्लस वाई माइनस बी मतलब वाई। ठीक, वाई वाई कैंसिल हो गया, इधर बचा साइन ए। ठीक, डी डी एक्स ऑफ वाई साइन ए, इधर बचा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई था। अगर हम इधर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही हमें प्रूव करना था। ये डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए बराबर, ये प्रत्येक वर्ष या हर सेट में आपको मिल सकता है। 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया, 2018 में भी प्रत्येक वर्ष यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, तब सिद्ध कीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना दिया है, ये इतना बराबर, देखिए हल दोनों पक्षों में लॉग लेने पर।
लॉग लेंगे तो देखिए ये हमारा वाई आगे आ जाएगा, हो जाएगा वाई लॉग एक्स, और इधर एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग, इसका मान हमारा वन होता है ठीक, तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई इंटू वन ठीक, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, वाई हम इधर ले आते हैं ठीक, वाई लॉग एक्स प्लस वाई, ये माइनस वाई इधर इधर वाई माइनस में था इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर एक्स, इधर वाई हम कॉमन कर लेंगे तो वाई कॉमन करेंगे तो बचेगा लॉग एक्स हो जाएगा इधर, यहाँ पर प्लस वन बचा ठीक बराबर एक्स, वाई बराबर हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन ठीक। अब हम इसका अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इधर फार्मूला लग जाएगा होता है हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, तो हर हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक अपॉन हर का होल स्क्वायर ठीक, तो नीचे होगा लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, तो एक्स का कितना होगा एक्स का वन ही हो जाएगा, माइनस माइनस इसका होगा फिर माइनस, अब अंश का मतलब कि हर इंटू अंश का अवकल गुणांक हो गया, अब अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, अंश हमारा एक है और लॉग एक्स का हो जाएगा हमारा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और प्लस वन का हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक। ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन माइनस, ये होगा हमारा एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, प्लस जीरो जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, उधर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और नीचे लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक। लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन ही तो बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल हुआ माइनस वन बचा ठीक, और ये हो गया लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वन वन फिर से कैंसिल हुआ, तो डी वाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है, यदि एक्स बराबर एटी स्क्वायर कॉमा वाई बराबर टू एटी, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करना है, तो देखिए एक्स बराबर इतना दिया है, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, क्या हो जाएगा डी 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 टी ऑफ एक्स बराबर एटी स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एटी ठीक, टू आगे आ जाएगा, और अगर हम इसका करें टी टी तो इसका हो जाएगा टू ए ठीक, टी का हो जाएगा वन हो जाएगा, तो कितना होगा टू ए हो जाएगा, मान ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बराबर डी डी एक्स सॉरी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी डी एक्स ऑफ डी डी टी ऑफ डी एक्स बराबर टू, इसका मान है टू ए और इसका मान है टू ए टी ठीक, रख देंगे कैंसिल हुआ, क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वन अपॉन टी, यही मान हो गया। ये क्वेश्चन दो नंबर में आता है, कई वर्ष पूछा गया है यही क्वेश्चन सेम यही वीडियो चले हो कुछ हो बताओ के। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था साइन वाई बराबर एक्स इंटू साइन वाई सॉरी एक्स साइन ए प्लस वाई था ठीक, ये इतना था, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसी तरह एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अक्सर आता रहता है, उसमें लिखा रहता है साइन वाई की जगह पर कॉस, साइन की जगह पर क्या लिखा रहता है कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई, और सिद्ध करने वाला भी यहाँ पर कॉस रहता है, साइन स्क्वायर लिखा है वहाँ पर कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस ए रहेगा ठीक, वो इसी तरह से पूरा क्वेश्चन वो भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, ये दो नंबर में क्वेश्चन आता रहता है, लगभग प्रत्येक सेट में मिल जाएगा,
देखिए वाई बराबर इतना दिया है, हम लिख लेंगे वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक, अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स, और फिर अगर ऐसे करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का तो लिखा नहीं, लिखेंगे नहीं, और अगर इसका करेंगे तो बी हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक, अगर पुनः इसका अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अगर करेंगे तो हो जाएगा माइनस हो गया, ए साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स हो गया। ठीक, और इधर हो जाएगा कॉस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस में आएगा, तो पहले माइनस लिख लेंगे बी, और हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस लिख लिए साइन एक्स। ठीक, अब हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो बचेगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। देखिए ये हमारा वाई ही लिखा है, जो पहले लिखा था ये वाई, वाई ही लिखा है, ये देख सकते हैं ये वाई वाला पूरा लिखा पोर्शन, तो हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर बराबर माइनस वाई, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा डी डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना, जीरो। यही हमें प्रूव करना था, ऊपर देख सकते हैं दो नंबर का क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, यदि एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स बराबर जीरो, तो सीधे कीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स जल्दबाजी में बोला जाता है, ये गलत है। ठीक है, इसे बोलना नहीं चाहिए, शुद्ध बोलना है डी डी एक्स ऑफ वाई बोलते हैं। दिया क्या हमें, ये दिया है, अब हम इसको सीधे लगा रहे हैं जल्दी, ये इतना बराबर जीरो दिया है, ये उधर में उधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई बराबर माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला, और इधर वाई स्क्वायर और वन प्लस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा, ये पांच नंबर का क्वेश्चन है और आता भी रहता है प्रत्येक वर्ष। देखिए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, और इधर भी मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई से करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर जीरो। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये, और ये हमारा बचा इधर अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, बराबर जीरो। भी हम सूत्र लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। ठीक, और इसमें से हम प्लस एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। फिर से हम एक्स माइनस वाई अब यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई यहाँ बचा और यहाँ पर बचेगा एक्स वाई बराबर जीरो। यदि एक्स माइनस वाई बराबर जीरो तो वाई बराबर एक्स, ये दोनों एक्स वाई बराबर मिलेगा, तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वन, और ये हमें लाना नहीं, ये अभीष्ट परिणाम नहीं, हमें सिद्ध करना था डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। ठीक, और ये हमारा अभीष्ट परिणाम नहीं, यहाँ पर लिख देंगे इष्ट परिणाम नहीं है, नहीं है, अतः तब हम जब यदि जब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर जीरो। ठीक, देखिए अब इसमें से y कॉमन कर लिए, फिर अब इधर ले आए y का मान निकाल लिए, तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे वन प्लस एक्स हो जाएगा। फिर अगर अब इसका हम अवकलन कर देते हैं तो dy dx बराबर, माइनस को बाहर ही लिखा रहने देते हैं। ठीक,
नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, तो हर तो अंश का करेंगे तो माइनस एक्स का क्या, माइनस बाहर लिख लिए और एक्स का कितना होगा वन होगा, माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, तो अंश कितना है एक्स, और हर का करेंगे तो वन का जीरो, और प्लस एक्स का कितना होगा वन हो जाएगा। आ गया हमारा उत्तर माइनस, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा वन प्लस एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस एक्स रहेगा। ठीक, अगर माइनस से फिर से हम बाहर से माइनस लगाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक, ये कैंसिल हो गया, यन सॉरी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो है, आप इसे एक बार दो बार जितनी बार देखना हो देखिए, ना समझ पाए तो कमेंट करें, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ये 5 नंबर 2 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आते रहते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।